तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आज मैं आपको कोई पॉलिटिकल खबर दिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को एक खुशखबरी देने आए हैं, खुशी से भरी खबर सुनाने आए हैं, और वो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि हमारा ऑफिस पटना में खुल चुका है, विधिवत उसका उद्घाटन भी हम करने वाले हैं। लेकिन एक और खुशी की खबर ये है, फाइनल पोस्ट के दर्शकों के लिए, फाइनल पोस्ट के व्यूअर्स के लिए, जो हमें इतना प्यार देते हैं, जो हमें इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट में अपनी राय देते हैं, तो उन दर्शकों के लिए खुशी की खबर ये है कि हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी दिल्ली पहुँच चुके हैं, और दिल्ली में भी हमारी एक ऑफिस खुलने जा रही है। तो दर्शकों, ये बहुत ही खुशी की खबर है कि दिल्ली से भी अब फाइनल पोस्ट का संचालन होने जा रहा है, दिल्ली में भी एक शानदार ऑफिस हमारा खुल रहा है। क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं नई दिल्ली के जनकपुरी इलाके में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रूम नंबर 503 में, जहाँ फाइनल पोस्ट का कार्यालय बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। आज यहां पहुंचने के बाद जो एक हमारी पूरी टीम है, उस पूरी टीम से आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आपको परिचय कराएं अपनी टीम के साथ, हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से, जो कि खुद से रील बनाती हैं और बहुत अच्छा फॉलोअर बेस उनका है। आइए हम स्वागत करते हैं कनिका। ये कनिका है, कनिका रील्स बनाती हैं। रील्स जो बनते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। आइए कनिका से बात करते हैं। कनिका, ये रील्स बनाना आपने कब से प्रारंभ किया? सर, अभी कुछ 1.5 साल से स्टार्ट किया है मैंने। पहले मैं नॉर्मल रील्स बनाती थी गाने वगैरह पे, बट लेकिन अभी मैंने अपना खुद का कंटेंट लिखना स्टार्ट किया है। खुद से थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा अच्छा कर पाऊँ। अच्छा, तो कंटेंट भी आप खुद बनाती हैं? हाँ, मैं खुद ही लिखती हूँ। अच्छा, तो कंटेंट लिखते एक बात मुझे बताइए, आप घर से निकलती हैं, कार्यालय की तरफ आती हैं, है ना, इस बीच में दिल्ली में ऐसी कौन सी समस्या आपको नजर आती है, और आप जो कंटेंट बनाती हैं वो किसी समस्या पे बनाती हैं या सिर्फ आपको अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए कंटेंट बनाती हैं? मैं समस्या के ऊपर ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली ही, जैसे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि आसपास देख के कुछ कैच कर रही हूँ कि ये लग रहा है कि इस पे कंटेंट बनाना चाहिए, या फिर कुछ लग रहा है उस पे बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली कंटेंट डाला है कि जो अंबानी के बेटे की शादी हो रही है उसके लिए उन्होंने रिचार्ज बढ़ा दिया है जियो के, ठीक है, तो उस पर मैंने अभी कंटेंट डाला है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा सोशलाइज करना चीज़ों को, कि हाँ चीज़ों को कैच करूँ, पता करूँ कि क्या हो रहा है, बट हाँ स्टिल मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे ऑफिस और घर दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती है। वेरी गुड। तो ये अच्छा करने का चीज़ मुझे बताइए, इसके प्रो एंड कॉन्स, मतलब इसकी लाभ और हानि क्या हो सकते हैं रील्स के? जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि रील्स बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में लोग ट्रेन से लटक के या नदी में जाके रील्स बनाते हैं या सेल्फी खींचते हैं, जिससे हादसाएं भी होते रहते हैं। जी सर, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखो, इसके एक तो दो वजह है। आजकल सबको एक अपनी पहचान बनानी है, सबको चाहिए कि मेरे को अलग से लोग जाने, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास काम ही नहीं है, तो लोग क्या चाह रहे हैं, सबको पता है यूट्यूब से पैसा आता है, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या चाहते हैं लोग कि अभी पैसा कहीं से नहीं आ रहा है तो कुछ तो आ जाए, कुछ तो कर ले, उसके चक्कर में, मतलब रील्स बनाना जो है, यंग जनरेशन के जो बच्चे रील्स बनाते हैं उसको आपने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा कि इससे इम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, और हमारा जो खाली वक्त है उस खाली वक्त में हमारे लिए कुछ अर्निंग की व्यवस्था हो जाती है, यूटिलाइजेशन। चलिए कनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया, धन्यवाद। जैसा कि हमने अपने दोस्तों को बताया, हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि बहुत जल्द हम दिल्ली में अपना कार्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं जो हमारे इस फाइनल पोस्ट के डायरेक्टर भी हैं और CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इन्हीं के नेतृत्व में यहां दिल्ली में काम हमारा प्रारंभ होगा। पवन कुमार शर्मा हैं। तो शर्मा जी,
सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी सबसे पहले स्वागत है। आपने इस लाइक समझा कि हम इस कंपनी को इतने आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा पवन जी, क्या योजनाएं हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए योजना, वैसे तो पोस्ट बहुत सारे, न्यूज चैनल तो बहुत सारे चल रही हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यहाँ का, यहाँ के लोगों का बेसिक मुद्दा है, उसको आगे लेके चलने का। एग्जैक्टली, जो जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है, हमें जनता की आवाज बननी है, हमें जनता की बात सरकार तक पहुंचानी है, जो नहीं पहुंच पा रही है उसी को आगे लेके चलने। सत्ता के गलियारे में जनता की आवाज को पहुंचाना, ये काम फाइनल पोस्ट दिल्ली में आपके नेतृत्व में करेगा। पहले से भी करते आ रही है फाइनल पोस्ट, अब एक और एक 11 वाली बात हो गई। हम दिल्ली में बैठे हैं, अब हम दिल्ली की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, दिल्ली की जनता की आवाज। नहीं, सरकार तक तो देश की जो आवाज है, ग्रामीण परिवेश की जो आवाज है, वो आवाज भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। अब बिल्कुल पहुंचेगी, पहुंचेगी। और आपके साथ मिलकर हमें खुशी हुई कि आपने ऐसा समझा कि हम यहाँ पे इसको लेके। चलिए, तो ये थे पवन कुमार शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग यहाँ कार्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अब आपको हम मिलवाते हैं अपने एचआर मैनेजर से। हमारे साथ फाइनल पोस्ट की एचआर मैनेजर निधि हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं निधि से। निधि, कैसी हैं आप? सब बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। निधि, अभी फाइनल पोस्ट का कार्यालय बहुत जल्द यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है और एचआर की जिम्मेवारी हम लोगों ने आपके कंधों पर छोड़ी है। तो एचआर का काम होता है अच्छे स्टिंगर का अपॉइंटमेंट करना, ऑफिस को मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना, जनता की जो आवाज है उस आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। तो ये सारी जो जिम्मेवारी है, उन सारी जिम्मेवारी जो है वो आपके कंधों पे है जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एचआर मैनेजर का, कैसे निभा पाएंगे? सर, मैं पहले भी निभाती आई हूँ, अभी भी निभाऊंगी और आगे भी निभाऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पहले भी निभाती आई है, चूंकि इसके पहले भी इन्होंने काम किया है, आगे भी निभाएंगी ऐसा वादा इन्होंने किया है। तो अभी एक जो हमारी छोटी सी टीम है, उस टीम के साथ हमने आपका परिचय कराया। बहुत जल्द, बहुत ही भव्य तरीके से फाइनल पोस्ट का कार्यालय दिल्ली में खुलेगा और हम बनेंगे जनता की आवाज। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर गिरी तेरी चुनर तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे साथियों, ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, हमारे टीम के सभी मेंबर के लिए कि, और हमारे खासकर दर्शकों के लिए कि अब हम सिर्फ बिहार के एक छोटे से जिले पूर्वी चंपारण से ही नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी दिल्ली से भी आपको रूबरू होते नज़र आएंगे। और हम तमाम जो खबरें हैं, पॉलिटिकल न्यूज हैं, तरह तरह के जो एनालिसिस है, हम आपको दिखा रहेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप हमें, हमारी टीम को और भी ज्यादा प्यार दीजिए। आपका आशीर्वाद ही आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम पटना के साथ साथ अब अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं और वहां से अब हम न्यूज का संचालन करेंगे, आप तक अपनी खबरों को पहुंचाएंगे। गरीबों की, वंचितों की आवाज हम उठाते हुए नजर आएंगे। भ्रष्टाचार पर जिस तरह से हम चोट करते थे, उसी तरह से अब देश के राजधानी दिल्ली से भी चोट करते नजर आएंगे। हमारी अब उपस्थिति सिर्फ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी दिल्ली से भी आपको देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, आपका प्यार ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।